नमस्कार मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एस एस टी एब्सोलूटली फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम <sajan video> बच्चों आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीआरटी सोल्यूशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स एनसीआरटी क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन हमारा नंबर वन है हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेस सेंटेंस हमको कंप्लीट करने हैं हंटर एंड गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक्स शेल्टर्स बिकॉज ये आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा ये आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस ये मैंने अभी कंप्लीट कर रखा है तो इसका आंसर है दे प्रोटेक्ट दमसेल्स फ्रॉम बैड वैदर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स हंटर और गैदरर्स जो थे उन्होंने चूज़ किया रहने के लिए केव्स एंड रॉक्स शेल्टर्स किस लिए क्योंकि वो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते थे जंगली जानवरों से और बैड वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इन जगहों पे रहना स्टार्ट किया इन जगहों पे रहते थे बी हमारा है ग्रास लैंड डेवलप्ड अराउंड ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा ये कंप्लीट करना सेंटेंस ईयर्स एगो तो इसमें आंसर होगा हमारा ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्ल ट्वेल्व थाउजेंड ईर एगो जो है ग्रास लैंडस जो है हमारे वो डेवलप्ड हुए डेवलप हुए जिनकी वजह से गर्मी बढ़ी और पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हुए और घास वगैरह हुई जिनकी वजह से जो घास को खाने वाले एनिमल्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम जो पीपल जो लोग क्रॉप ग्रो करते थे वो एक लंबे समय तक सेम प्लेस पर क्यों रहा करते थे तो आंसर देखते हैं डीज पीपल स्टे स्क्वाइट लॉन्ग टाइम एट द सेम प्लेस बिकॉज लैंड बिकम्स फर्टाइल द क्रॉप ग्रो ग्रोइंग विथ फर्टिलिटी सो सीड्स क्रॉप्स टू बी कम्प्लीटली रेडी कम्प्लीट केयर ऑफ क्रॉप्स फॉर इरीगेशन रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ टाइम सो दैट हार्वेस्टर्स आर स्टेइंग नियर क्रॉप्स लैंड हार्वेस्टर्स जो थे वो क्रॉपलैंड के नियर रहा करते थे क्योंकि जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए फिर उसके बाद सीड्स लगाना फिर उनका उनकी देखभाल करना सिंचाई वगैरह उनका पकना तैयार होना और उनकी वाइल्ड एनिमल से रक्षा करना इन सब चीज़ों के लिए इन सब की देखभाल के लिए इसमें लंबा समय लग जाता है जिसकी वजह से जो क्रॉप ग्रो पीपल थे वो उसी लैंड के आसपास ही रहा करते थे चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंग डैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विथ एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर आर्क्योलॉजिस्ट जो कि जिन्होंने मेहरगढ़ की खुदाई की उनका ऐसा क्यों मानना था कि जो मेहरगढ़ के लोग थे पहले जो लोग रहते थे मेन काम उनका हंटिंग था लेकिन बाद के समय में आके उनका हर्डिंग मेन काम हो गया मेन पशुपालन उनका मेन काम हो गया चलिए आइए आंसर देखते हैं आंसर है द बोन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्वेशन मेहरगढ़ बाय द आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट अमंग द एनिमल्स हुज बोन्स वर फाउंड इन द बॉटम लेयर वाइल्ड बोर एंड डियर आर प्रोमिनेंट विच शोज़ दैट मैन वॉज डिपेंडेंट ओनली ऑन हंटिंग एट दैट टाइम जो मेहरगढ़ के आर्क्योलॉजिस्ट थे उन्हें पहले जब उन्होंने खुदाई की मेहरगढ़ की तो उन्हें पहले वहाँ पर नीचे की लेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा बोन्स मिली और जिनमें की मेन ज़्यादा बोन्स थी ज़्यादातर बोन्स थी उसमें जंगली सुअर और हिरण की जिससे कि पता चलता है कि उस टाइम के लोगों का मेन काम था हन्टिंग फिर नेक्स्ट देखते हैं स्केलेटन्स ऑफ शिप्स एंड गोट्स वर फाउंड ऑन द लेवल अबाउट दिस विच शोज दैट बाय दिस टाइम मैन हैड स्टार्टेड एनिमल्स हन स्केलेटन ऑफ शिप्स एंड गोट्स उसके ऊपर के लेवल में शिप्स और गोट्स का स्केलेटन मिलना यह बताता है कि बाद के लोगों के लिए पशुपालन जो है वो उनका इंपॉर्टेंट वर्क हो गया बाद के लोगों के लिए पशुपालन जो है वो मेन हो गया हंटिंग की अपेक्षा चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कह रहा है वाइट डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन वट वेज आर दी सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रेवल टूडे वाइट डिड द हंटर्स गैदर्स गैदरर्स ट्रैवल फ्राम प्लेस टू प्लेस हंटर गैदरर्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे ट्रेवल क्यों करते थे तो आंसर हम देखते हैं फर्स्ट इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द एवेलेबल प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज उनका जो भोजन था उनका जो फूड था वो एनिमल्स थे या प्लांट्स थे प्लांट से जो फ्रूट मिल रहे हैं कुछ प्लांट्स भी थे पत्तियाँ वगैरह वो खाते थे तो वो अगर एक ही जगह पे वो रह जाते तो फिर वो सारे जो प्लांट्स या एनिमल्स थे वो पूरे खा जाते मतलब एक लंबे टाइम तक अगर वहाँ रहते तो लंबे टाइम तक में वो सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स वगैरह थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते जिसके लिए उन्होंने दूसरी जगह पे अपने फूड को सर्च करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे ट्रेवल करते थे नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ़ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स सेकंड हम देखते हैं जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे किस लिए आ, अपने फूड के लिए छोटे एनिमल्स को पाने के लिए या फिर और इन द केस ऑफ़ डेयर एंड वाइल्ड कैटल डेयर एंड वाइल्ड कैटल के केस में अगर देखते हैं तो ये अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे ट्रैवल करते थे सो दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स तो इसलिए हंटर जो थे वो इनका पीछा किया करते थे इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया करते थे नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड प्लान थर्ड प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स थर्ड हम देखते हैं जो प्लांट्स एंड ट्रीज ट्रीज हैं ये सीज़न टू सीज़न फलते हैं तो जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो दो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे अपने फूड जो है इन प्लांट्स से सर्च करने के लिए ट्रैवल किया करते थे नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव हम सभी को पता है बिना पानी के बिना वाटर के किसी का भी जीवन नहीं चल सकता है तो पानी की खोज में पीपल एनिमल्स ये सभी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रेवल करते थे तो इस तरह हमने देखा ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हंटर एंड गैदरर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते थे अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में इन वॉट वेज आर दी सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीज़न्स फॉर विच वी ट्रेवल टूडे आज हम क्यों ट्रेवल करते हैं अगर हम इसका क्वेश्चन अगर हम ये क्वेश्चन रखते हैं कि आज हम क्यों travel करते हैं तो इसका आंसर है मतलब इसमें पूछा है कि डिफरेंट या सेम आ, कुछ भी आप दोनों तरह दोनों वे में बताइए तो हम भी फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं दूसरे हम आ, एजुकेशन के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं हम घूमने के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं तो तरह तरह की चीज़ें शॉपिंग के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो उनका मेन ट्रैवल करने का जो रीज़न था वो उनका फूड था या वाटर था मेन रीज़न उनका वही था और हमारे पास आज रीज़न थोड़े से हो चेंज हो गए हैं सेम रीज़न्स भी हैं उसके अलावा चेंज हो गए हैं कि हम एजुकेशन के लिए एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह या लोगों से मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करते हैं चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव हमारा है लेस थ्री वेज़ इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पज टूडे आंसर देखते हैं क्वेश्चन uh, हमारा कह रहा है कि हंटर एंड गैदरर्स जो है वो किस वे में थ्री वेज बताने हैं जो वो फायर का यूज़ किया करते थे आग का यूज़ किया करते थे तो हम देखते हैं हंटर गैदरर्स यूज फायर फॉर मेनी वेज टू डिस्पेल द डार्कनेस अंधेरे को भगाने के लिए वो आग का यूज़ करते थे फायर का यूज़ किया करते थे नेक्स्ट है टू रोस्ट मीट हम सभी को पता है कि वो सभी एनिमल्स जो थे एनिमल्स पर डिपेंडेंट थे एनिमल्स खाया करते थे तो वो पहले तो कच्चे खाया करते थे लेकिन फिर जब उन्होंने डिस्कवरी कर ली फायर की फिर जब फायर डिस्कवरी उन्होंने कर लिया उसके बाद से वो मीट को जो है कच्चा भी खाते थे और रोस्ट किया करते थे नेक्स्ट हम देखते हैं टू कीप देमसेल्स वार्म इन विंटर विंटर में अपने आप को गर्म रखने के लिए वो आ, फायर का यूज़ करते थे तो हम सभी को पता है आग के पास अगर बैठते हैं तो गर्मी मिलती है जिससे हमारी ठंडी से हमें सुरक्षा मिलती है हमें आराम मिलता है ठंड में सर्दियों में हम सब लोग भी कोयला जलाते हैं या फिर हीटर जलाते हैं बहुत तर, तरीके के ब्लोवर वग़ैरह जलाते हैं बहुत तरीके के यूज़ हैं जो कि हम लोग अपने शरीर को गर्म रखते हैं तो उस टाइम में उनके पास सिर्फ आग था ऑप्शन में या धूप थी तो आग का यूज़ फायर का यूज़ वो लोग अपने विंटर्स में अपने आप को गर्म रखने के लिए करते थे इसके अलावा हम देख सकते हैं जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी वो फायर का यूज किया करते थे इसमें नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पज टूडे इसमें से हम लोग किस किस पर्पज़ में यूज करते हैं हम भी खाना बनाने के लिए यूज करते हैं फायर uh, का एंड uh, अंधेरे को दूर भगाने के लिए भी करते हैं अब तो खैर कम हो गया है लेकिन फिर भी अंधेरे को जो दूर भगाने के लिए भी हम फायर का यूज़ करते हैं टू कीप दमसेल्स वार्म इन विंटर विंटर में हम लोग भी अलाव वगैरह जला जलाते हैं और अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए विंटर में फायर का यूज़ करते हैं जंगली जानवर के लिए भी जो फॉरेस्ट वगैरह में जो लोग जाते हैं वो लोग जंगली जानवर से रक्षा के लिए भी फायर का यूज़ करते हैं चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं लेस थ्री वेज इन विच द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स एंड हैडरस वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स हंट गैदरर्स जो थे वो फार्मर एंड हैडर से किस तरह डिफरेंट थे थ्री वेज में बताना है आंसर देखते हैं दीज आर थ्री डिफरेंसेज थ्री डिफरेंसेज क्या हैं वो देखते हैं फर्स्ट द फार्मर एंड हेडर्स लाइव डिपेंडेंट ऑन देयर इनकम फ्रॉम क्रॉप्स एंड देयर पेट एनिमल रिसोर्स जो फार्मर एंड हेडर्स थे वो डिपेंडेंट थे अपने क्रॉप इनकम पे और क्रॉप से जो मिलने वाली उनकी इनकम थी उस पर वो डिपेंडेंट थे और अपने पेट एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे पेट एनिमल रिसोर्सेज पे बट अदर हैड द हंटर स्टेटस वॉज नॉट परमानेंट ऑफ देयर फूड दे सर्च देयर फूड वाइड स्पेड ऑफ एरियाज ऑफ लैंड वहीं दूसरी तरफ जो हंटर्स थे उनका जो फूड था वो परमानेंट नहीं था वह अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड द फार्मर्स एंड हेरर्स लाइव होम मेड बाई हिमसेल्फ फार्मर्स एंड हेडर्स जो थे वो अपने घर अपने द्वारा बनाए हुए घरों में रहा करते थे वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, ऑन अदर हैंड हंटर्स लाइव देयर लाइफ इन केव्स वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर्स जो थे वो गुफाओं में और रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे थर्ड पॉइंट है हमारा द फार्मर्स एंड हेडर्स गेटिंग देयर फूड फ्रॉम क्रॉप एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड अदर हैंड हंटर्स गेटिंग देयर फूड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज़ अवेलेबल इन फॉरेस्ट हम देखते हैं कि जो फार्मर्स एंड हेडर्स हैं वो अपना फूड क्रॉप और एनिमल से पाते थे और वहीं दूसरी तरफ जो हंटर्स थे वो अपना फूड वाइल्ड एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि जंगल में जंगलों में मिला करते थे उनसे अपना फूड वो प्राप्त किया करते थे तो ये थ्री डी हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हर्न फ्री है पर बेस्ट है